नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता, एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। नगर परिषद सिरसा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होनी शुरू हो चुकी हैं। चेयरमैन पद के लिए अनेक दावेदार भी सामने आ चुके हैं। सिरसा नगर परिषद की सीट अनुसूचित वर्ग के खाते में चली जाने के बाद ड्रॉ से पहले प्रधान पद के लिए दावेदारी जता रहे अनेक दिग्गजों के ख्वाब अधूरे रह गए। आपको बता दें कि सिरसा नगर परिषद का कार्यकाल सितंबर तक का है और चेयरमैन पद के लिए आरक्षित सीट के ड्रा होने के बाद अब राजनीतिक दल गोटियां बिछानी शुरू करेंगे। वहीं सिरसा नगर परिषद सीट के अनुसूचित जाति के खाते में जाने के बाद अनेक राजनीतिज्ञों के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। सोशल मीडिया पर अनेक राजनीतिज्ञों की भावी पीढ़ियाँ चेयरमैन चुनाव के माध्यम से राजनीति में प्रदर्शन होने के दावे भी कर रही थी, लेकिन अब इस सीट के अनुसूचित जाति के खाते में चले जाने के बाद एससी जाति से जुड़े दिग्गज मैदान में उतरना शुरू हो चुके हैं और राजनीतिज्ञों से संबंध बनाकर चेयरमैन की कुर्सी पाने की जुगत बिठाने में लग गए हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव में इस बार सीधे आम जनता वोट डालेगी। पहले चेयरमैन को नगर पार्षद चुनते थे, लेकिन अब सरकार ने संशोधन किया है। इस बार नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव में आम जनता पार्षद के साथ साथ चेयरमैन पद के लिए भी वोट डालेगी। ऐसे में सिरसा नगर परिषद के अलावा अन्य नगर पालिकाओं में भी चुनावी घमासान होने की संभावना है। हमने आपको पहले कुछ ऐसे चेहरों से रूबरू करवाया था जो अध्यक्ष पद की दावेदारी जता रहे थे। आज हम आपको एक और चेहरे से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी भी जता रहे हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। सभी सिरसावासियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इस बार सिरसा के चेयरमैन की सीट ऐसी रिजर्व हुई है। मैं आपका अपना भाई पंकज चौहान वार्ड नंबर 25 से इस बार चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। मेरे सभी समाज के सम्मानित साथियों से, विद्वानों से, शहर के बहुत से सम्मानित लोगों से मेरी बात हुई है। सब ने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है और जैसा कि आप लोग कुछ दिन से देख भी रहे होंगे कि बहुत से लोगों का प्यार मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मिला भी है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों ने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आपका भाई इस बार सिरसा के मेयर चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और आपके सबके आशीर्वाद की मेरे को आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा शहर के हर मुद्दों के लिए संघर्ष किया है, चाहे वह दलित मुद्दे रहे हों, शहर का और भी कोई विभिन्न मुद्दे रहे हों, कोई महंगाई की बात रही हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की बात रही हो, दलितों पर हो रहे अत्याचारों की बात रही हो, मैंने हमेशा पुरजोर तरीके से समाज की, शहर की आवाज़ को उठाने का काम किया है। मैं चाहता हूँ पूरे सिरसा शहर के लोगों का इस बार मेरे को आशीर्वाद मिले और मैं आगे भी आपके काम आऊँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में मुख्य समस्या जल भराव की है और बहुत से विकास शहर के सौंदर्यकरण की है। शहर की अनियमित कॉलोनियाँ हैं, उनमें विकास कार्यों की बात है जो कि नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लिए सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा का है, तो मेरा सबसे पहले काम ये रहेगा कि मैं ठेकेदारी प्रथा बंद कराने का काम करूं और शहर के जितने भी जल भराव की जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करूं। शहर के सौंदर्यकरण पर मैं बात करूं, ओपन जिम पार्कों के अंदर हूँ उसकी बात करूं, नशा हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए मैं कार्य करूं। तो इन कार्यों के लिए मेरे को सबसे हमारे शहर के सभी लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं आप लोगों की आगे भी सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी इच्छा है सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ करके कि आने वाले चेयरमैन इलेक्शन में मेरा साथ और सहयोग दे। मैं हमेशा जैसे हमेशा पहले शहर के लिए खड़ा रहा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। आपका अपना भाई पंकज चौहान वार्ड नंबर 25 से। और किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कभी भी समस्या, किसी भाई को, बहन को, किसी वार्डवासी को, शहरवासी को कोई भी समस्या हो, आप लोग मेरे से मिल सकते हैं। पहले भी मैं आप लोगों के काम आया हूँ और आगे भी काम आने की कोशिश करूँगा। और जिस दिन मैं मेयर पद या चेयरमैन पद मेरे को मिल जाता है, शहर के लिए निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भेदभाव से कार्य करूंगा। सभी शहरवासियों को नमस्कार, जय भीम।